झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जहां चुनाव दो चरणों में होना है, जिसकी तिथि 13 और 20 नवंबर को रखी गई है। वहीं इसका परिणाम 23 नवंबर को निकाला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं झारखंड में कुल सीटें कितनी हैं, कुल वोटरों की संख्या कितनी है, इसमें आदिवासी दलितों के लिए कितनी सीट रिजर्व है? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब को जानते हैं। जोहार। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर राजनीति का प्रभाव शुरू से रहा है। बिहार से अलग होने के बाद राज्य के लिए 81 सीट विधानसभा है, जबकि 14 लोकसभा और 6 सीट राज्यसभा के लिए निर्धारित किया गया है। राज्य की कुल आबादी 3.5 करोड़ है, जहां 2,57,78,149 मतदाता है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 6,34,000 से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण हुआ है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या 2 गुना से अधिक है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, यानी 2019 में युवा मतदाताओं की संख्या 5,49,619 थी, जबकि इस विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या 11,84,150 है। यानी इस चुनाव में युवाओं के पंजीकरण में कुल 6,34,531 की वृद्धि हुई है, जिसमें 65% महिला और महज 35% पुरुष है। इस रिपोर्ट को देखते हुए अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में युवाओं का लगातार पलायन और राज्य में वोट को लेकर युवतियों में जागरूकता का बढ़ना कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार राज्य में 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता पंजीकरण में युवाओं को पीछे छोड़ युवतियां काफी आगे निकल गई हैं। युवतियों के पंजीकरण के अंतर की बात करें तो पिछले चुनाव में युवकों की संख्या अधिक थी और इस बार ठीक इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड के 81 विधानसभा सीट में 37 सीट आरक्षित हैं, जिसमें 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जबकि 9 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 44 सीटें जनरल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 2,57,78,149 लोग मतदान करेंगे, जिसमें कुल 2,57,78,149 मतदाताओं में 1,30,65,449 पुरुषों और 1,37,12,266 महिला मतदाता हैं, जबकि 434 थर्ड जेंडर के वोटर भी इस साल मतदान करेंगे। अब देखना यह है कि ये सारे मतदाता इस बार किसे अपना कीमती वोट देकर जिताते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वहीं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जोहार।